ये कहानी है कोरा नाम की एक लड़की की, जिसका बेटा कहीं पर गायब हो गया था। तब उसे एक आदमी मिलता है जिसने उसे यकीन दिलवाया कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा अगर वो इस दुनिया में ना भी हुआ तब भी। हमें एक घर दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से सील किया हुआ था। उस घर में एक लेडी ऑफिसर आती है जो हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। तभी हमें बैकग्राउंड में एक कॉल सुनाई देती है जो कोरा की थी, जिसमें बस वो ये कह रही थी कि जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो बताती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा। उस घर में अब जब पुलिस आती है तो घर का अजीब माहौल था। सारा घर बिखरा हुआ था, खून के निशान थे, पर वहाँ पर किसी की लाश नहीं थी और ना ही किसी को मारा गया था। उधर फर्श पर नमक से दायरा बनाया हुआ था। लेडी ऑफिसर कोरा के घर में ये सब कुछ चेक कर रही थी, वो उसकी बहन थी। हर चीज की जाँच करने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और आकर कोरा से पूछताछ करती है, क्योंकि उसके जिस्म पर भी खून लगा हुआ था। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, मगर ज्यादा पूछने पर सब कुछ बता देती है। वो कहती है, ये सब तो मैं अपने बेटे को सिर्फ वापस लाने के लिए कर रही थी। कोरा की बहन कहती है, तुम होश में भी हो? तुम जानती नहीं हो क्या, तुम्हारा बेटा तो आज से 7 साल पहले गायब हुआ था, और हो सकता है अब तो वो जिंदा भी ना हो। उसकी बहन उससे पूछती है, ये खून किसका है कोरा? अभी भी वो कुछ नहीं बताती। आखिर कोरा के साथ हुआ क्या था? हमें उसके माजी की कहानी दिखाई जाती है, उस वक्त की जब उसका बेटा गायब हुआ था। कोरा एक गैर जिम्मेदार माँ थी, हर वक्त नशा किया करती थी। वो एक लड़के के साथ रहती जो उसका दोस्त था, उसके साथ वो हर वक्त नशा किया करती थी। उनके माली हालात भी कुछ अच्छे ना थे, तो इसलिए पैसों के लिए भी हर गलत काम करने के लिए वो लोग तैयार थे। एक दिन कोरा के घर पर पुलिस आती है। कोरा और उसका दोस्त दोनों घबरा गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि पुलिस इन्हें पकड़ने आई है। मगर वो कोरा से पूछते हैं, क्या आप जानती हैं कि आपका बेटा कहाँ पर है? कोरा कहती है, अपने कमरे में होगा। मगर देखने पर पता चलता है वो वहाँ पर नहीं था। अब कोरा के बेटे को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार होती है। एक टीम को जंगलों की तरफ भेजा जाता है, जबकि दूसरी उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। मगर उसके बाद कोरा का बेटा कहीं पर भी ना मिल सका, उसका सिर्फ एक जूता मिला था। इस हादसे को कुछ साल बीत गए थे। कोरा अब एक ग्रुप का हिस्सा थी, उसमें सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। कोरा उन सबको अपनी कहानी सुना रही होती है, कहती है, मेरे बेटे के गायब होने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया, लेकिन इससे मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। वो अपनी मॉम के घर रहने लगी, वहाँ पर उसने अपने बेटे के लिए एक कमरा भी रखा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि उसका बेटा जरूर वापस आएगा। कोरा की बहन जो पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी, वो भी कोरा से बात करने की कोशिश करती थी, मगर कोरा हर वक्त गुस्से में होती और अपनी बहन से सही से बात भी नहीं किया करती थी। कोरा की इतनी जिंदगी के बारे में तो पता चल गया। अब सीन दोबारा से पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, वहाँ पर उसकी बहन पूछती है कि कोरा ये खून किसका है, बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर कोरा एबल नाम के आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है, एबल हमारे ग्रुप का हिस्सा था, एक दिन वो मुझसे कैफे में मिलने आया और हम दोस्त बन गए। एबल ने अपनी बेटी को खो दिया था जो तालाब में डूबने की वजह से मर गई। उसकी लाश पुलिस को कुछ दिन बाद मिली। मुझे लगा कि एबल मेरी हालात को समझेगा, क्योंकि उसने भी किसी को खोया था। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा है। ये सुनकर कोरा की बहन कहती है, भला मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है? कोरा, क्या तुम अभी भी नशे में हो? वो कहती है, नहीं। कोरा फिर से अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वो बताती है, एक दिन मैं घर पर अकेली थी, एबल मेरे घर पर आया। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। मैं उसे देख पाऊंगी, छू सकती हूँ, क्योंकि वो खुद भी अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाने में कामयाब हुआ था। मुझे उसकी इन बातों पर यकीन नहीं आया, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। उसकी बहन पूछती है कि कोरा, एबल आखिर चाहता क्या था? वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को दोबारा जिंदा किया था, वो काली दुनिया से उसे वापस लाया था। जब कोरा की बहन उससे पूछती है, वो कैसे? उसके चेहरे पर डर था। कोरा बताती है, उस जगह से जहाँ पर मरने के बाद लोग जाते हैं। उसकी बहन पुलिस ऑफिसर हंसने लगती है, कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कोरा? मुझे खुद उसकी लाश मिली थी, मैंने उसकी बेटी को अपनी आंखों से देखा है मरे हुए। कोरा कहती है, नहीं, तुम नहीं जानती, अभी जाकर उसका डेटा चेक करो। एबल की बेटी अब दूसरे शहर में रहती है, उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया। उसकी बेटी इस दुनिया में ही है, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं एक दिन एबल से मिलने गई। उससे मैंने पूछा कि सब तुमने कैसे किया? एबल ने मुझे बताया कि ये सब एक औरत ने उसे बताया था, रिचुअल, जादू के बारे में। ये कैसा जादू है जो कई दिन तक चलता है, और अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो वो अपने मरे हुए बच्चों को वापस ला सकता है। बस इसको करते हुए इस पर यकीन होना चाहिए। वो चाहता था कि मैं भी उसके जादू का हिस्सा बन जाऊं। मेरे बेटे की लालच ने मुझसे ये सब करवाया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा, भला कोशिश तो की जा सकती है ना। अब जब मैं वो जादू करने के लिए मान गई, तो एबल ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा, जिसमें ढेर सारा नमक, मोमबत्तियां और जंजीर शामिल थी। उसने मुझे ये भी कहा कि घर में कोई बिजली, कोई टेलीफोन नहीं होगा जिससे जादू पर कोई भी असर पड़े। उसने मुझे जैसे बताया मैंने सब कुछ वैसे ही किया। एबल ने मुझे खास नमक वाले पानी में नहाने के लिए भी कहा, जिससे उसके सारे बुरे
रात पूरी सोचें खत्म हो जाएंगी। मैं इस बात को मजाक बनाने लगी। एबल ने मुझसे कहा, ये मजाक नहीं है, अगर तुम इन चीजों को मजाक लोगी तो भूल जाओ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मैं सब चीजों पर यकीन करूंगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें तुम्हारे बेटे मिल चुके हैं ना, तो तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? वो मेरी इस बात पर परेशान हो गया और मुझे बताया कि अभी मेरी बेटी अपनी माँ के पास है। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे ये मजाक कर रहे हो? तुम मेरा किसी चीज में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? वो कहता है, नहीं, बस मुझे काम पूरा करना है, फिर मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। उसने नमक का दायरा बनाकर मुझे जंजीर से बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने हर मंत्र को लिख लिया था जो उसने कहा। मैंने वही दोहराया। आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उसे कहा, बस बहुत हो गया, अब मुझे खोल दो। मगर एबल मंत्र पढ़ता रहा। उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किए थे, अचानक से मैं हवा में तैरने लगी और एकदम से फर्श पर आ गिरी। मुझे भी यकीन हो चुका था कि सब हो सकता है, मैं अपने बेटे को दोबारा हासिल कर सकती हूँ। अब अगला जादू का हिस्सा था इनविटेशन, बुलावे का। हम दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़े। मेरा घर सारा हिलने लगा, मोमबत्तियाँ बुझ गईं और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मैं समझ गई थी, हम लोग उस दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक जिंदा इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सुबह को अगले दिन मेरा दोस्त आया जो मेरे साथ मिलकर नशा किया करता था। उसने जब मुझे और एबल को एक साथ घर पर देखा तो उसे लगा कि जैसे हमारे दरमियान में कोई रिश्ता है। उसने एबल के पर्स से पैसे चुराए और मुझे कड़वी बातें सुनाकर चला गया। अब हमारा अगला कदम था ग्रीफ, यानी कि गम। एबल ने मुझे बताया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं इस चीज के लिए भी तैयार हो गई। हमने अपना ये काम शुरू किया। ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था, मैंने अपने विजन ख्यालों में देखा कि वो मेरे पास आया। उस वक्त मैं नशे में थी, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाई। मेरा बेटा गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैंने अपने विजन ख्यालों में देखा कि एक वैन वाला उसे अगवा कर ले जा रहा है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मगर मेरे पीछे एक काला साया था जो मेरे गम और गुस्से की परछाई थी। वो परछाई मुझे उस जगह पर ले गई जहाँ पर किडनैपर ने मेरे बेटे को अगवा किया हुआ था। जब मैंने अपने बेटे को ऐसे हाल में देखा तो मैं चिल्लाने लगी, मगर तभी एक खौफनाक डीमन ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो खुद पर काबू पाना होगा। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। कोरा अपनी ये कहानी अपनी बहन ऑफिसर को बता रही थी, मगर उसका इन सब बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। वो कहती है, कोरा क्या तुम अभी भी नशे में हो? वो कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उस रिचुअल के जरिए ये सब कुछ देखा। उस किडनैपर ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे को ढूंढना। कोरा की बहन ऑफिसर तो यहाँ से चली जाती है। अब उसके पास एक लेडी ऑफिसर आई थी जो बताती है कि हाँ, कोरा सच कह रही है, एबल की बेटी जिंदा है जो अपनी माँ के साथ रहती है। ये सुनकर कोरा की बहन परेशान हो गई थी। अब यहाँ से कहानी फिर से पीछे जाती है। जिस दिन एबल के साथ कोरा के रिचुअल का आखिरी दिन था, एबल कोरा से कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, मगर उसने कोरा को ये नहीं बताया था किस चीज का सौदा। वो कोरा को बताता है कि कुछ भी हो जाए दायरे से बाहर मत निकलना, और अगर कोई भी असूल तोड़ा सब कुछ गलत हो जाएगा। आज एबल को जंजीरों से बांधा जाना था। कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी अजीब काली ताकत ने एबल को पोजेस्ट अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी उसके मुंह से अजीब सी चीजें भी बाहर निकलने लगी थी जिनमें हड्डियां, बाल और खून शामिल था। ये सब देखकर कोरा डर से चिल्लाती है। उसने दायरे को तोड़ दिया था और डर कर बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद जब वो दोबारा घर के अंदर गई तो एबल जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। उसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया, साथ ही कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मगर अचानक से किसी काली ताकत ने एबल को अंधेरे में खींच लिया था। अब वो काली ताकत कोरा के पास आती है और उसे ये रिचुअल पूरा करने का कहती है, और ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो अपने बेटे को भूल जाए। कोरा अभी भी यहाँ पर समझ नहीं पाई थी, एबल ने जो उसको कहा था वो किसी और का नहीं बल्कि कोरा का सौदा करने वाला था एक शैतान से। अगले रिचुअल के हिस्से में वो अभी बकरी लाती है, उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था। जब रिचुअल जादू को पूरा करने वो दोबारा से कमरे में आई, इस बार मंत्र पढ़ती अपने विजन्स ख्यालों में अजीब से खेतों में पहुंच गई थी। वहां पर उसे एबल मिलता है जो उसे मांस गोश्त खाने का कहता है और ग्लास में खून पीने को देता है। ये सब कोरा को करना था जिसके बाद ही वो अपने बेटे से मिल पाएगी, मगर उसके लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। एबल को उसकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर कोरा को बताता है, दरअसल उस काली ताकत को अपने लिए एक जिस्म चाहिए था, वो तुम्हारा जिस्म था। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी से मिल पाता, मेरा ये रिचुअल पूरा हो जाता। मगर कोरा, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, क्योंकि एबल तो खुद ही अपने काले जादू की वजह से मर चुका था। वापिस से अपनी असल दुनिया में आ जाती है जहाँ पर एक शैतान यानी कि वो काली ताकत जिसको एबल जिस्म देना चाहता था वो कोरा के पीछे होता है। कहता है कि अगर तुमने मुझे जिस्म ना दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा। कोरा अपने बेटे को वो किसी भी तरह हासिल करना चाहती थी, वो इसीलिए अपने उस दोस्त को कॉल करके घर बुलाती है जिसके साथ अक्सर वो नशा किया करती थी। वो जब उसके घर आया तो धोखे से कोरा ने उसे शैतान के आगे फेंक दिया, मगर शैतान को उसके दोस्त का नहीं कोरा का जिस्म चाहिए था, वो अब उसके पीछे था। कोरा पागलों की तरह अपनी जान बचा
जाती, घर में या वहाँ घूम रही थी और पुलिस को कॉल करती है कि मेरी मदद करें, मैं मुसीबत में हूँ। और ये वही सीन था जो हमने शुरू में सुना था। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कोरा से उसकी बहन ये कह रही थी कि जब तक सही तरह तुम्हारे केस की जांच पड़ताल नहीं हो जाती, तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही रहना होगा। कोरा अपनी बहन को समझाती है कि शैतान मेरे पीछे है, वो मेरे बेटे के बदले मेरी जान ले लेगा। मगर उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि कोरा जेल में महफूज है और वो ये सब नशे में बोल रही है। कोरा को पता चल जाता है कि उसका अब आखिरी वक्त आ चुका था। लाइट जलने बुझने लगती है, एक आवाज गूंजी थी, रिचुअल पूरा हुआ, शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया था। उधर कोरा की बहन एक बार फिर से उसके घर की तलाशी लेने जाती है, जहाँ पर उसे अलमारी से आवाजें आ रही थी। जब वो जाकर देखती है तो उधर कोरा का बेटा मिलता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि 7 साल पहले वो गायब हुआ था। इसका मतलब एबल सच्चा था, उसके रिचुअल जादू से कोरा का बेटा वापस तो आ गया, मगर कोरा को अपनी जान देनी पड़ी। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।